हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज शिवम मलिक ओवर हेयर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल साइन ओके okay. देखो वाइटल क्या होता है वाइटल का मतलब होता है हमारा इम्पोर्टेंट ठीक है वाइटल का मतलब क्या है इम्पोर्टेंट और साइन मींस कोई चेंज मींस वाइटल साइन मींस इम्पोर्टेंट साइन कि एक ह्यूमन बॉडी एक ह्यूमन बींग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइन होते हैं ओके सो लेट स्टार्ट इटल साइंस ऑल्सो नोन एस कार्डिनल साइंस जो वाइटल साइन है हम उन्हें क्या बोलते हैं कार्डिनल साइंस भी बोल सकते हैं दे आर द साइंस ऑफ लाइफ ठीक है ये क्या होंगे हमारी लाइफ के साइंस हैं विच यूज इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ मीन्स एक इंडिविजुअल की हेल्थ को मेजर करने में बहुत क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं नाम का यह है वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट ओके द वाइटल साइंस आर अब कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं फर्स्ट है हमारा बॉडी टेम्परेचर पल्स रेस्परेशन ब्लड प्रेशर ओके मेनली जो है हमारे फोर वाइटल साइंस होते हैं टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर ठीक है इसमें हम पेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं ओके okay. तो वन बाय वन पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर ओके चला पढ़ते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में ठीक है क्या होता है बॉडी टेम्परेचर इट कैन बी डिफाइंड एट द डिग्री ऑफ हीट ठीक है बॉडी टेम्परेचर क्या है हमारा एक हीट है मेंटेन्ड बाय द बॉडी ठीक है हीट है जिसे कौन मेंटेन करता है बॉडी ओके okay? और इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द और एक बैलेंस है किसके बीच में हीट प्रोड्यूस एंड द हीट लॉस इन द बॉडी तो ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या है कि ये एक हीट है जिसको कौन मेंटेन करती है बॉडी मेंटेन करती है या फिर ये एक बैलेंस है किसके बीच में हीट प्रोड्यूज और हीट लॉस मीन्स कितनी हीट प्रोड्यूज हुई कितनी हीट लॉस हुई हमारी बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर ओके नेक्स्ट हमारे पास टू मैकेनिज्म आते हैं जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है फर्स्ट है थर्मोजेनेसिस एंड नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोलाइसिस थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन जब हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं थर्मोजेनेसिस। और थर्मोलाइसिस में क्या हीट लॉस जब हमारी हीट जो है वो लॉस हो रही है नेक्स्ट आता है हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है जहाँ पे हीट जो है हमारा क्या हो रहा है रेगुलेट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस क्या है हीट रेगुलेटिंग सेंटर है और हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेन में ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूज होती है ओके okay? फर्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कि फूड के ऑक्सीडेशन से कैसे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूज होती है फॉर एग्जाम्पल वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो कितना देता है हमें फोर कैलोरीज ऑफ हीट ओके नेक्स्ट हमारे पास है वन ग्राम प्रोटीन सेम है फोर कैलोरीज ऑफ हीट नेक्स्ट है वन ग्राम ऑफ फैट सेम नाइन कैलोरीज ऑफ हीट ओके तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से ऐसे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज ये तो कॉमन सी बात है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हॉट फील होता है ओके okay? वो कैसे होता है वो पढ़ते हैं देखो इसमें क्या है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है जो ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में स्टोर्ड है ठीक है ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड है फिर वो क्या होता है हमारा रिलीज होगा और ब्रेक होगा वहाँ से क्या होगा जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर्ड है एक्सरसाइज के टाइम वो वहाँ से रिलीज होगा और क्या होगा ब्रेक होगा और क्या बनेगा शुगर उसके बाद विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फिर ये जब ये शुगर बन गया उसके बाद ये क्या रिलीज़ करता है एनर्जी को रिलीज़ करता है जब कुछ कोई भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमें एनर्जी मिल रही है तो वो क्या है हम उसमें हमारा हीट का प्रोडक्शन होगा नेक्स्ट इसमें क्या आता तो है एक्सरसाइज के टाइम ब्लड सप्लाई टू द स्किन इंक्रीज़ जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्किन है स्किन को हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगा इंडिविजुअल फील्स हो उ ये कॉमन बात है कि जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है तो जो एक इंडिविजुअल होगा उसे क्या फील होगा हॉट फील होगा ठीक है तो जब हॉट फील हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा हीट प्रोड्यूस हो रही है ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्ट्रांग इमोशंस से भी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है ओके लाइक एक्साइटमेंट एनजाइटी नर्वसनेस ठीक है तो जब हम कब भी बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं ठीक है ठीके? आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं अगर कभी ठीक है तो हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है फेस एकदम रेड हो जाता है तो वो क्या क्यों होता है क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है ए एन एस को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा स्टूमुलेट करेगा एंड ड्यू टू इंक्रीज एनी एक्टिविटी अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी क्या है हो रही है, है तो तो हमारी तो इंक्रीज हो रही है तो हीट इज प्रोड्यूस्ड क्या होगा हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्मोनल इफेक्ट हॉर्मोन्स तो हर चीज़ पे इफेक्ट होता ही होता है तो इसमें क्या है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायरोड ग्लैंड एंड द एड्रिनल ग्लैंड अगर किसकी थाइरोयड ग्लैंड की और एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उससे भी क्या है हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वायरमेंट ही तो है ही जैसे ही हमारे एन्वायरमेंट चेंज होता है तो क्या है हीट प्रोड्यूस होगी लाइक हाई टेम्परेचर हाई रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर है या नहीं अगर हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको भी इंक्रीज कर देगा ओके आई होप आई होप आपको हीट प्रोडक्शन समझ में आया होगा अब नेक्स्ट हमारे पास है वेज ऑफ लॉसिंग हीट इन द बॉडी कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में हीट लॉस हो सकता है ओके okay? फर्स्ट हमारे पास आता है थ्रू द स्किन स्किन के थ्रू कैसे ठीक है स्किन के थ्रू भी हीट जो है वो लॉस होती है फर्स्ट आता है इसमें कंडक्शन कंडक्शन में देखो क्या है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडक्शन में क्या होगा कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे देखो कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट कि हीट ट्रांसफर हो रही डायरेक्टली थ्रू अ सब्सटेंस एक सब्सटेंस के थ्रू फ्रॉम हॉट पार्ट टू दल्ड पार्ट मीन्स इसमें क्या है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो रहा है और जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है हमारे होट से कोल्ड पर ठीक है एग्जाम्पल है इसका क्लॉथ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी हॉट है ठीक है गर्म हो रही है हमारी बॉडी और हमने ठंडे कपड़े पहन लिए जब हमने ठंडे कपड़े पहन लिए तो वहाँ से क्या होगी हमारी हीट जो होगी वो लॉस हो जाएगी तो क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं बॉडी और क्लॉथ्स का क्या हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया तो उससे भी हमारी हीट लॉस होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन ओके okay? <coughs> नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन कन्वेक्शन में क्या हीट लॉस ड्यू टू इन कॉन्टैक्ट विथ हीट लॉस हो रही है किसके कॉन्टेक्ट में आने से विथ सर्कुलेटिंग एयर मूवमेंट जब एयर मूवमेंट के कॉन्टेक्ट में आ रहे तब हीट लॉस हो रही है एग्जांपल इसमें है हमारा हीट लॉस ड्यू टू फैन या कूलर्स अगर फैन चला चला दिया कूलर्स है ए है तो उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो भी हीट लॉस हो जाती है या नहीं हमारी बॉडी गर्म हो रही है गर्मी में आए हम हम फ़ैन चला देते तो, तो क्या है हमारी बॉडी ठंडी होगी तो क्या हुआ वहाँ से हीट लॉस होगी है उसे हम क्या बोलते हैं कन्वेक्शन ओके

स्वेटिंग ओके नॉ नेक्स्ट हमारा जहाँ हीट लॉस होती है वो है थ्रू द किडनीज किडनीज के थ्रू कैसे लॉस होती है देखो एज किडनी ठीक है जो किडनी है वो कैसे क्रिएट करती है यूरीन को सिक्रीट करती है वोम्ब बाय द हीट ठीक है वो किससे वोम्ड रहता है हमारा हीट से <coughs> टेकन फ्रॉम द बॉडी जो कहाँ से लेगा हमारा बॉडी से ठीक है उसके बाद क्या हो रहा है यूरिन हमारा एक्सक्रीट हो रहा है मीन्स पास आउट हो रहा है हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ठीक है जैसे ही हमारा यूरिन क्या होगा एक्सक्रीट आउट होगा पास आउट होगा वैसे क्या होगी हमारी बॉडी से हीट लॉस हो जाएगी नेक्स्ट आता है थ्रू द बावल्स बावल्स के थ्रू में क्या होता है जैसे ही एक इंडिविजुअल डेफिकेट करता है वैसे हीट लॉस हो जाती है ओके नेक्स्ट आता है थ्रू द लंग्स लंग्स के थ्रू देखो कैसे हो रहा है ब्रीथ आउट जैसे ही एक इंडिविजुअल क्या क्या करता है 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 सांस छोड़ता एयर एयर इज तो होगा जो हमारी है, वो क्या हो जाएगी लॉस्ट हो जाएगी जब हमारी वॉर्मड एयर लॉस्ड होगी तो क्या हो रहा है हमारी हीट वहां से लॉस हो रही है एंड लॉस थ्रू द एक्सपायर्ड एयर ओके तो ये कुछ वेज से जांच से हमारा जो हीट है जो हमारी हीट है वो लॉस हो रही थी ओके okay? तो ये था आज का आ, हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है जब वो आ, हाई हो जाता है तो कितना कितनी रेंज पर होता है कहाँ कौन कौन सी साइट से जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं वो मैं आपको सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू